हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तरन्नुम जिया। देखिए गाइज, आज मैंने ये 6 से 7 मंथ तक के बेबी के लिए ये कैप बनाया है। बहुत ही इजी कैप है ये, पगड़ी वाला कैप है ये। मुझे बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि मैं थोड़ा बड़ा कैप बनाकर दिखाऊं, तो मैंने ये 6 से 7 मंथ तक के बेबी के लिए कैप बनाया है। और ये कैप जो है, इसके लिए मैंने 100 फंदे इसमें डाले हैं। 100 फंदों में ये काफ़ी अच्छा कैप बन गया है। चलिए देखते हैं कि ये किस तरह से बनेगा। देखिए, ये वाले डिज़ाइन जो हैं, एक ये बॉर्डर्स, नीचे बॉर्डर दिया है मैंने, ये ऊपर ये 3 लाइन आनी चाहिए। देखिए यहाँ पर ये उल्टी उल्टी दोनों साइड से बॉर्डर को उल्टा उल्टा आप बुनोगे, और ये ऊपर जब 3 लाइन आपके आ जाएं तो आपने ये सीधी और उल्टी सिलाइयाँ बुन लेनी है। 8 8 रॉ मैंने बनाई है इस, ये सीधी उल्टी सिलाइयों की भी और ये उल्टी उल्टी सिलाइयों की भी। देखिए, जब आप ये उल्टा उल्टा डिज़ाइन बनाएंगे तो सीधी सिलाई से आप स्टार्ट कर देंगे, उल्टी सिलाई बुनेंगे, और जब ये रॉन्ग साइड पर आओगे तो ये यहाँ पर सीधी सीधा बुनना है। उल्टी सिलाई पर हमें ये सीधा सीधा बुनना है और सीधी सिलाई पर ये उल्टा बुनना है। फिर ये 8 रॉ का डिज़ाइन है, फिर 8 का है सीधी उल्टी का। इसी तरह से देखिए ये कितने डिज़ाइन आए हैं सीधी उल्टी सिलाई के, 1 2 3 4 5, 5 डिज़ाइन ये आए हैं और 4 डिज़ाइन ये उल्टी उल्टी सिलाई के हैं बॉर्डर से अलग। अब देखिए किस तरह से बनेगा। अब हमें इसमें क्या करना है, ये तो बहुत आसान तरीका है, इसे तो आप बना ही लोगे। 8 8 उल्टी सीधी सिलाइयाँ हैं और फिर 8 रॉ ये हैं उल्टी वाली, उल्टी उल्टी सिलाई की। तो चलिए, पहला फंदा जो है हमारा, उसको हम बिना बुना निकाल देंगे। फिर हमने यहाँ पर 2 फंदे एक साथ लेकर बुनने हैं। अब हमें 5 फंदे बुनने हैं सीधे, 1 2 3 4 5, 5 फंदे हमारे सीधे हो गए। फिर हमने ये 2 फंदे एक साथ लेकर नीचे से एक साथ बुनकर एक बना देना है। फिर 5 फंदे बुनने हैं, 1 2 3 4 5, फिर 2 फंदे एक साथ लेकर बुनेंगे। इसी तरह से 5 फंदे बुनते जाएंगे, दो एक फिर 5 फंदों के बाद 2 फंदे एक साथ लेकर बुनेंगे। पूरी रो हमारी इसी तरह से कंप्लीट होगी, मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, अब यहाँ पर 3 फंदे बचे हैं लास्ट में, ये 5 बुने हमने, तो फिर ये 2 का 1 बना देंगे और लास्ट के फंदे को भी हम सिंगल बुन देंगे। अब हमारी उल्टी सिलाई आई है, उल्टी पूरी उल्टी कंप्लीट होगी, ये और मैं कर लाऊँ तब आपको दिखाऊंगी। देखिए, अब फिर सीधी सिलाई आई है, हर सीधी सिलाई पर ही ये घटाने भी हैं हमें फंदे। अब देखिए, पहला फंदा तो हम बिना बुना उतार देंगे, ये वो फंदा है जो हमने 2 एक साथ लेकर बुने थे, लेकिन इस वाले फंदे को भी अब हम सीधा बुनेंगे। अब हमारे यहाँ पर ये उससे आगे 4 5 फंदे बुने गए हैं, तो अब की बार ये हमारे 4 फंदे रह जाएंगे, 1 2 3 4, 4 फंदे बुनकर फिर 2 का 1 बनाना है। ये देखिए, यहाँ पर आने लगी है ये चैन सी। अब फिर से 4 फंदे, 1 2 3 4, फिर 2 का 1, हर बार एक फंदा कम होता जाएगा। देखिए, फिर से 4 फंदे, 1 2 3 4। अब देखिए, फिर ये यहाँ पर 2 का 1 बनेगा फंदा 4 फंदे बुनने के बाद। ये देखिए, अब फिर ये पूरी सिलाई मैं लास्ट तक ले आऊँ, उसके बाद दिखाऊंगी। 4 फंदे बुनते जाइए, 2 का 1 बनाते जाइए, 4 फंदे बुनते जाइए, 2 का 1 बनाते जाइए। ये चैन से आने लगेगी, जो फंदा हमारा बुन 2 का 1 बन रहा है, तो ये मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगी। ये देखिए गाइस, अब ये लास्ट में आए हैं हम, 1 2 3 4, 4 फंदे बुने, यहाँ पर 2 का 1, और ये वाला फंदा सिंगल बुन देंगे सीधा। अब उल्टी सिलाई उल्टी कंप्लीट होगी, ये और कर लाऊँ मैं। देखिए, हमारी फिर सीधी सिलाई आई है, तो हमारा ये फंदा लगी दिखाई दे रहा है जो इधर मुड़ने लगा है, जो फंदे हम दो दो करके बुन रहे हैं। तो अब देखिए, उससे पहले हमारे ये 1 2
चार। अब ये हमारे तीन फंदे, देखिए दो फंदे तो हमारे स्टार्ट में है ही, अब ये तीन फंदे बुने जाएंगे और दो का एक, तीन फंदे बुनते जाओ और दो का एक बनाते जाओ, हर बार ये एक एक फंदा कम होता जाएगा सीधी सिलाई पर। देखिए फिर से तीन, एक दो तीन, फिर दो फंदे एक साथ लेकर, फिर तीन फंदे, एक दो तीन, फिर देखिए दो फंदे एक साथ लेकर बुन देंगे हम ये, एक और बुनना है हमें, ये देखिए दो फंदे। तो ये सिलाई मैं पूरी कर लाऊँ आखिर लास्ट में ले आऊँ इस रो को, बस तीन फंदे बुनते जाइए और दो फंदों का एक फंदा बनाते जाइए। देखिए यहाँ पर दो का एक बनाया, यहाँ पर ये तीन फंदे बुने हमने, अब लास्ट में ये तीन बचे हैं तो दो का एक बना देंगे और लास्ट का सिंगल फंदा। अब हमारी उल्टी सिलाई आई है, उल्टी पूरी उल्टी कंप्लीट होगी। ये देखिए फिर से सीधी सिलाई आई है हमारी। अब देखिए ये वाली जो है चेन चल रही है जो दो का एक बना रहे हैं हम, तो अब देखिए हमारे ये एक फंदा बुना, फिर हम यहाँ पर दो का एक करेंगे। अब ये जो फंदे बचे हैं देखिए, अब हमारे यहाँ पर नहीं होगा सॉरी, दो का एक, ये दो फंदे हम हमारे चल ही रहे हैं एक्स्ट्रा, ये दोनों सीधे बुने हमने, अब यहाँ पर हमारे दो फंदे बुने जाएंगे, हर बार एक कम हो रहा है, एक दो, दो फंदे बुने, यहाँ पर दो का एक बनाया, फिर दो फंदे बुनेंगे, एक दो, फिर दो का एक बनाया, बस इसी तरह से दो फंदे बुनते जाइए और दो का एक बनाते जाइए। लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी, दो फंदे बुनिए, दो का एक बना दीजिए। देखिए अब लास्ट में आ गए हैं, यहाँ दो का एक बनाया, फिर दो फंदे बुनेंगे, एक दो, और फिर दो का एक बना देंगे, लास्ट का फंदा हमारा सिंगल है। अब देखिए उल्टी सिलाई पूरी उल्टी कंप्लीट होगी। देखिए फिर सीधी सिलाई आई है, दो फंदे हमारे ये स्टार्ट में सीधे बुने जाएंगे। अब देखिए सिर्फ एक ही फंदा बुना जाएगा, हर बार एक कम हो रहा है, अब एक ही बचा है, एक फंदा बुना, दो का एक बनाया, फिर से एक फंदा सीधा बुना, फिर दो का एक बनाया, फिर एक फंदा सीधा बुना, फिर दो का एक बनाया, बस इसी तरह से ये पूरी रो कंप्लीट होगी। ये रो कंप्लीट कर लूँ मैं और उल्टी सिलाई बना लूँ, उसके बाद दिखाएंगे कि फिर क्या करना है, बस एक फंदा बुनते जाइए और दो का एक बनाते जाइए। देखिए फिर से हमारी सीधी सिलाई आई है, तो अब देखिए अब क्या करना है, दो फंदे एक साथ लेंगे, एक बनाया, फिर दो एक साथ लेंगे, बस अब दो दो फंदे लेकर इसको बुनते जाएंगे, बस दो दो फंदे लेकर एक एक बनाते जाएंगे, हर दो फंदे एक साथ लेकर बुनेंगे, ये सिलाई मैं पूरी कंप्लीट कर लाऊं, उसके बाद उल्टी सिलाई है उसको भी कंप्लीट कर लाऊं। बहुत आसान है, दो फंदे एक साथ लो और बुनते जाओ। देखिए लास्ट में सिर्फ एक फंदा बचा है हमारा, तो इसको सिंगल बुन देंगे, बस अब उल्टी सिलाई और कंप्लीट कर लाऊं मैं, तब आपको दिखाऊंगी। ये देखिए अब हमारे कितने फंदे ये बचे हैं, तीन, छः, नौ, 12, 13, 14, 15, 16, 17 फंदे हमारे ये बचे हैं। अब इन 17 फंदों को हम इस सुई में एक एक करके रो लेंगे। सब फंदों को पिरोते लाएंगे और आराम से इसको निकालेंगे धागे को, क्योंकि थोड़ा वैसा धागा है ये फैदर में, तो ये मुश्किल से निकलेगा, इसलिए इसको आराम से निकालते हुए लाएंगे। और देखिए इस तरह से ये गोल सा हो जाएगा यहाँ पर जब हम इस धागे को निकाल कर लाएंगे, और इसे यहाँ पर इस धागे से बांध देंगे।
ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको बांध दिया है। ये देखिए ये यहाँ से गोल सा बन चुका है बिल्कुल। अब ये हमें यहाँ से सीकर लाना है, इसे यहाँ से सीएंगे हम। देखिए एक फंदा इधर से लेंगे, एक फंदा इधर से लेंगे और इसको हम सीकर लाएंगे। अब इसको हम सीधा कर लेंगे। अब ये देखिए इस वाले धागे को तो हम यहीं पर निकाल देंगे। अब ये किनारे वाला धागा लेंगे। अब देखिए इसको यहाँ हल्के हल्के से इस तरह से छोटे छोटे से धागे लेकर ये किनारे पर से इस एक हिस्से को हमने देखिए इसे बिल्कुल हमने यहाँ पर लगाना है, ऊपर ऊपर लाकर यहाँ पर लगा देना है हमने इसको। और यहाँ पर हमने एक दो यहाँ से टाका मार देना है यहाँ पर, जिससे यहाँ पर जॉइंट हो जाए। अब देखिए ये वाला जो हिस्सा है दूसरा, इसको हमने इस तरह से लेना है, इस तरह से जिस तरह से पगड़ी में एक ताज सा बनकर आता है। देखिए गाइस इस तरह से ये वाला हिस्सा हम यहाँ से पकड़ेंगे ये, और इसमें यहाँ से टांका मारेंगे। और इस वाले हिस्से को पूरा यहाँ पकड़कर यहाँ पर इसको जॉइंट करना है। और इसके ऊपर ही ये वाला हिस्सा हमें यहाँ पर लेना है, जिस तरह से एक ताज सा बनकर आएगा। पहले हम इस वाले हिस्से को सी लेते हैं। कि ये वाला हिस्सा जो है थोड़ी सी ये वूल सुई में डालने में प्रॉब्लम आती है, ये देखिए पहले हम ये वाला हिस्सा इस तरह से लेंगे।
इसे अच्छी तरह से दो बार इसमें से टाका से निकाल देंगे। और इस हिस्से को हम यहाँ पर रखेंगे। थोड़ा सा ऊपर को करके इस हिस्से को लगाना है। या आप उंगलियों से संवार कर लगाएंगे। अब देखिए ये वाला हिस्सा जो है हमारा, ये इसके ऊपर आएगा, यहाँ पर आएगा ये। बिल्कुल इसके ऊपर लाएंगे इस हिस्से को। नीचे वाले हिस्से में और इस ऊपर वाले हिस्से में यहाँ पर हमने सिलाई करनी है, इससे दोनों आपस में जॉइंट मिल जाएं। ये देखिए इस तरह से इस पर ताज सा आएगा यहाँ। एक हिस्सा आपने यहाँ पर एक टाका यहाँ से मान लगाना है इसमें। ठीक से आपने इस ताज को संवार कर लगाना है। जब बिल्कुल ठीक से ही लग जाए इसमें अच्छे से यहाँ टाके लगा देने हैं जिससे ये खुले नहीं। देखिए ये वाला हिस्सा जो है ऊपर के में से आपने ये यहाँ पर भी एक एक टाका लगा देना है जिससे कि ये ताज यहाँ पर आराम से रुका रहे और ठीक से सीधा होकर भी आए। इस तरह से कहीं कहीं को आपने ये यहाँ पर टाके लगा देने हैं। देखिए हमारी पगड़ी वाली बेस्ट सी टोपी रेडी हो चुकी है। अब इस पर आपने यहाँ पर कोई भी खूबसूरत सा बटन लगा देना है। यहाँ पर तो ये और ज़्यादा इसकी खूबसूरती बढ़ जाएगी। देखिए गाइस कैसा लगा आपको ये मेरा पगड़ी का डिज़ाइन। मुझे बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि मैं थोड़ा सा बड़ा कैप बनाकर दिखाऊं, तो मैंने इसलिए बड़ा कैप बनाकर दिखाया है। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और मुझे कमेंट्स करें कैसा लगा आपको डिज़ाइन। और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जब भी मेरी वीडियो आपको अपलोड होते ही मिल पाएगी।